मेरठ के मोदीपुरा में पीएम की रैली, बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल के लिए मांगे वोट, सीएम योगी जयंत चौधरी भी रहे मौजूद। मेरा मंत्र भ्रष्टाचार हटाओ, आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने मां भारती का एक अंग काट दिया, कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया, कहा अभी तो आपने विकास का बस ट्रेलर देखा है। 2014 के बाद पीएम ने देश की तस्वीर बदली, किसानों को सम्मान दिया, सीएम योगी का बयान। सीएम योगी बोले कांग्रेस राज में मेरठ ने दंगा पॉलिसी को झेला, इस बार चुनाव माफिया राज बनाम कानून राज का है। मेरठ की रैली में बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी, मोदी सरकार में किसान, गरीब और युवाओं को मिल रही है प्राथमिकता। कच्चा थीवू द्वीप मामले पर कांग्रेस चीफ खरगे का सवाल, पीएम बताएं पिछले 10 साल में कच्चा थीवू द्वीप वापस लाने के लिए क्या कुछ किया। 4 अप्रैल को बिहार और बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम, जमुई और कूचबिहार में करेंगे जनसभा। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली, विपक्ष नेताओं और पार्टियों पर एक्शन का विरोध। सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता रैली में हुए शामिल, मंच पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता के बगल में बैठी दिखी सोनिया। रैली में सुनीता ने पति केजरीवाल का पढ़ा संदेश, कहा कुछ लोग भारत से नफरत करते हैं, भारत मां आज दुखी है, दर्द में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाहों से संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, पंजाब के सीएम मान का बयान। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, लोकतंत्र पर हमला, हमें लोकतंत्र बचाना है, शरद पवार का बयान। कांग्रेस चीफ खरगे ने बीजेपी आरएसएस को बताया जहर, कहा चुनाव में इन्हें मौका देने की जरूरत नहीं, इन्होंने देश को बर्बाद किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा वो संविधान को मिटाना चाहती है, संविधान गया तो आरक्षण गया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को भगवान राम का संदेश दिलाया याद, कहा सत्ता हमेशा नहीं रहती, अहंकार चूर चूर होता है। प्रियंका गांधी की मांग, केजरीवाल और हेमंत सोरेन की हो तुरंत रिहाई, बीजेपी को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की हो जांच। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान में भरे हुंकार, कहा हम दिल्ली आए हैं, दिल्ली वाले बाहर जाएंगे। देश में आज अघोषित इमरजेंसी है, देश को बांटने की हो रही है कोशिश, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का आरोप। रैली में एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने दी सलाह, कहा जेल में बंद नेताओं को बाहर निकालने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़नी होगी। देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ना कोई वकील ना कोई अपील, सीधे जेल हो रही है, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी रैली को किया संबोधित, बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने का लगाया आरोप। इंडिया अलायंस एकजुट है, बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ है, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बयान। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है, उद्धव ने अब की बार बीजेपी तड़ीपार का लगाया नारा। सीपीआई नेता डी राजा का बयान, इंडिया अलायंस देश और संविधान बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए एकजुट है। भारत की राजनीति में एक नई ऊर्जा पैदा हुई, तानाशाही ताकतों को हराएगी सीपीआईएम, महासचिव सीताराम येचुरी को उम्मीद। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन का बयान, टीएमसी इंडिया अलायंस के साथ है, आज लड़ाई बीजेपी बनाम डेमोक्रेसी है। देश देख रहा है मोदी सरकार कैसे चुनाव लड़ रही है, लोकतंत्र और संविधान पर हमले हो रहे हैं, सीपीआईएमएल लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने दिया बयान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा लुटेरों के साथ है कांग्रेस, क्योंकि उसने भी देश को लूटा है। केजरीवाल और हेमंत सोरेन भ्रष्ट हैं, उनकी जगह जेल में ही है, यही पीएम मोदी की गारंटी है, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, तानाशाही शासन के उदय की पहचान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। बंगाल के कृष्णनगर में सीएम ममता की रैली, मैंने बनाया इंडिया गठबंधन, चुनाव बाद में फिर देखूंगी, अभी बंगाल में नहीं है कोई गठबंधन। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बंगाल में कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। रैली में ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के लिए मांगे वोट, बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं महुआ, इसलिए उन पर हुई कार्रवाई। ईडी के संबंध पर बोली महुआ मोइत्रा, देश और कृष्णनगर की जनता सब देख रही है, ईडी की कार्रवाई से मेरा वोट बैंक बढ़ता है। वर्धमान दुर्गापुर से टीएमसी कैंडिडेट कीर्ति आजाद का आरोप, बीजेपी बंगाल के साथ नाइंसाफी कर रही है। आसनसोल से टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, बीजेपी पोलराइजेशन की कर रही है कोशिश, हमें रहना होगा सावधान। बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बयान, ममता बनर्जी पहले अपनी पार्टी को देखें, ममता ने बीजेपी 200 सीट जीतने का दिया है चैलेंज। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीकर में किया रोड शो, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा भी रहे मौजूद। नितिन गडकरी ने आरोपों का किया खंडन, कहा जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जिन्हें आपत्ति है कोर्ट जाएं। यूपी में एआईएमआईएम और अपना दल कैमेरावादी ने मिलाया हाथ, गठबंधन का नाम रखा पीडीएम। एआईएमआईएम पल्लवी पटेल के साथ दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे लंबी लड़ाई, असुद्दीन ओवैसी का बयान। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार बोले नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व से और मजबूत होगा लोकतंत्र, कर्नाटक में 6 महिलाओं को दिया टिकट। लोकसभा चुनावों से पहले ओडिशा में बीजेपी को झटका, पूर्व विधायक सुकांत नायक ने ज्वाइन की बीजेपी।
असम के गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, तेज तूफान के साथ हुई बारिश, कई घरों को पहुंचा नुकसान। सनराइजर्स हैदराबाद को गुजरात टाइटंस ने दी मात, अहमदाबाद में 7 विकेट से जीत हासिल। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन और डेविड मिलर ने खेली शानदार पारी, गेंदबाजी में मोहित शर्मा ने लिए 3 विकेट। सलीमा चेची ने महिला वर्ग में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता, हार्दिक सिंह पुरुष वर्ग में बने प्लेयर ऑफ द ईयर। पीआर श्रीजेश बने हॉकी इंडिया गोलकीपर ऑफ द ईयर, कप्तान हरमनप्रीत सिंह बने डिफेंडर ऑफ द ईयर।